अपने मनों को, हृदयों को, विचारों को समर्पित करते हुए स्तुति आराधना आज प्रभु के सामने ग्रहण योग्य बलिदान होगा। प्रभु महान है, सुना है, प्रभु महान है, किंग है, सुनिए, प्रभु महान है, उसकी उत्तमता को स्मरण करते हुए जब हम उसके आसनों के सामने खड़े हैं, ये बात I
252 जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। 252 जय देने वाले प्रभु यीशु को साथ साथ बहुत ही आराधनी होने जा रही है।
के मधुर नाम में आप सबों को आज इस विशेष सभा जो कम्युनियन सर्विस है उसमें आपका स्वागत करते हैं। आपका ध्यान हम अब सूचनाओं के ऊपर केंद्रित करना चाहते हैं। पास्टर विल्सन सूचनाओं देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आज शाम को 7 बजे भाई लॉरेंस का प्रीमियर का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इसी पहले से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारी इनर बोर्ड की मीटिंग हुई, कुछ चेंजेस हम लोग ला रहे हैं पीसीजी ग्रुप में, क्योंकि एक भाई फोन करके बोलते हैं मेरा छोटा सा संदेश आप पीसीजी ग्रुप में डालिए। जब मैं उनका संदेश सुना, बाइबल की सब शिक्षाओं को तोड़ दिया, 5 पॉइंट के 3 पॉइंट बाइबल के खिलाफ था, तो निर्णय लिया गया पीसीजी ग्रुप हमारे सेक्रेटरी जो इनर बोर्ड के मेंबर भी हैं वो उसकी सूचना देंगे कि भाई लॉरेंस को हम प्रार्थना उठाएं, नए गीत नए नए रूप से गीतों गा रहे हैं, पुराने गीत हैं नए नए रूप से गा रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें प्रभु उसकी उस सेवा में प्रभु को आगे बढ़ाए पाए। पास्टर विल्सन लंबी सूची है, विशेष करके हमारे हम तमाम कमजोर बीमार विश्वासी भाई बहन के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। भोपाल में पास्टर दीपक पधारे, उनकी पत्नी और विशेष दीपक पधारे को कई लोग जानते नहीं होंगे, शोभा विल्सन के भाई है, पास्टर है, दोनों की तबियत COVID-19 से है दोनों, पास्टर दीपक पधारे और उनकी पत्नी, उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रभु ने चंदा देने पाए, धन्यवाद हो परमेश्वर का। हम प्रार्थना करते आ रहे थे, विशेष विश्वा शाह के लिए वापस आते हैं, घर पे है, थोड़े कमजोर हैं, हम उनको प्रार्थना में उठाए रखें, परमेश्वर उनकी सहायता मदद करने पाए। उसके साथ साथ विशेष सनी पाल सिंह के लिए प्रार्थना करते रहे, प्रभु उनकी भी सहायता मदद करें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन रूबी के लिए, हमारे चर्च सेक्रेटरी विशेष अनुग्रहराज के लिए, उनका ऑपरेशन सफल हुआ, परमेश्वर ने उनकी सहायता मदद किया। बहुत से लोग उस विषय के लिए प्रार्थना करते करते रहते, बड़ा नाजुक मोड़ था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस बहन के ऊपर में हुआ, उन्होंने सहायता किया। अब जल्द से जल्द उसकी चंगाई के लिए कि परमेश्वर उसको नया बल प्राप्त करने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर की सहायता और मदद करने पाए। धन्यवाद हो डॉक्टर जॉर्ज थॉमस के लिए, उनका भी ऑपरेशन होने में प्रभु ने सहायता किया, उनके लिए प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द प्रभु ने भी नया बल नई शक्ति और नई सामर्थ्य देने पाए। भाई सौरभ सिंह इंदौर में, उनके लिए उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु का कई विहार उनके ऊपर में बना देने पाए और प्रभु उनकी विशेष सहायता और मदद करने पाए। हमारे विशेष शैली जॉर्ज ने भी हम अपनी प्रार्थना में याद करते रहे, प्रभु उनकी भी सहायता और मदद करें, जल्द से जल्द प्रभु उन्हें भी चंगाई देने पाए। एक मिनट, जो जवान पीछे खड़े हैं या तो आप बैठ जाएं, कोई मात्रा नहीं रहे, या तो अपने कैबिन में जाएं, और कौन जवान वहां बैठे हैं सामने आ जाएंगे, उनके सिर्फ सिर्फ देख रहे सामने, जो पीछे जो बैठे जवान आ जाए सामने, जगह काफी सामने, चलो वहां से उठाए जाइए, अशोक उपाध्याय जी बना, लेकिन जवान तो कौन बैठे उनको हिंदी समझ में नहीं आई, तो मेरी आंखें आपके ऊपर रही आपकी, अब हम देख रहे कौन बैठे। चलिए हमारे कलीसिया के उन अनुभवी लोगों की भी प्रार्थना करते रहे, जो बुजुर्ग अवस्था में है, विशेष लक्ष्मण के लिए हम प्रार्थना करें, उनको स्मरण करें, विशेष बलवंत के लिए, विशेष सत्य प्रकाश आंटी के लिए, विशेष एका जेम्स के लिए, विशेष जया जेकब के लिए, मिस्टर जॉय राज के लिए, कहीं ना कहीं अपने शरीर में भी परेशान है, उसके साथ साथ स्मरण करते रहे, विशेष उषा नाटेकर के लिए, प्रभु उनकी भी सहायता और मदद करने पाए, प्रभु के सब साथ रहने पाएंगे। इससे ज़्यादा प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस, उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के मध्य में भी परमेश्वर ने अपने दास की सहायता मदद किया, परमेश्वर ने बड़ा साहस बड़ी हिम्मत उनको प्रदान की। हमारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों की, हमारे बाइबल कॉलेज के भाई बहन और हमारे हाउस ऑफ ग्रुप के बच्चे तमाम टीचर साहब सब ने मिलकर
उनके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करते आ रहे हैं। आगे भी प्रार्थना करें। सिस्टर मर्सी थॉमस उनके पूरे परिवार के लिए, डॉक्टर माइकल थॉमस उनके परिवार के लिए, डॉक्टर मलिशा थॉमस उनके परिवार के लिए, कि परमेश्वर इन सब की रहनुमाई करें, अगुवाई करें और प्रभु अपने आशीषों से उनको परिपूर्ण करें। जबकि पूरा परिवार सेवकाई में पाया जा रहा है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी सेवकाई का आदर और सम्मान करते हुए आने वाले समय में प्रभु और अधिक निर्भर कर और आशीष देने पाए। हमारे बाइबल कॉलेज के विश्वासी, हमारे बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी भाई बहनों के लिए, टीचर स्टाफ के लिए, सहयोगी पासवानों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु बड़ी शिद्दत के साथ हर एक को अपनी सेवा में बहुत आयत के साथ में इस्तेमाल करने पाए। स्मरण करते हैं, हमारा पैशन वीक जो है वो 30 तारीख से आरंभ होगा, 4 तारीख तक चलेगा और कई वक्ताओं उनके बीच में रहेंगे और प्रचार करेंगे। प्रार्थना करें कि उस पैशन वीक में हमारा एकत्रित होना और प्रभु के दासों के माध्यम से उन वचनों को सुनना हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। टेस्ट ऑफ इटारसी 4 अप्रैल को रखा गया है, क्रॉस ग्राउंड में 6 बजे आरंभ होगा। उसकी और अधिक सूचना हम अपने पासवान के द्वारा सुनने पाएंगे। आने वाले मंगलवार अर्थात 16 तारीख को पास्टर विल्सन और पास्टर निखिल मालवीय गंज में विजिटिंग हेतु जाएंगे। 23 तारीख को पास्टर फेलिक्स अपने परिवार के साथ पुराने इटारसी में उस एरिया में रहेंगे, तो उनके प्रार्थना करते रहे कि उनका घरों में जाना, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना एक आशीष का कारण चलने पाए। शनिवार की प्रार्थना सभा 6:30 बजे, रविवार की सुबह की आराधना 9 बजे रहती है। तो साप्ताहिक इन सारे कार्यों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहे। तो अभी सूचना मिली है डॉक्टर प्रभाकर निर्मल की क्लिनिक इस सप्ताह में LKG के पास साइट सिटी में होना तय हुआ है। कृपया प्रार्थना करें, जब मेरे परिवार अपने गांव से एक आदमी वापस आ रहे हैं, इस क्लिनिक में भी प्रभु उनकी सहायता करने पाए। मेरे साथ पास्टर जैन मिथल गए थे, प्रार्थना किए परिवार में। खुशी की बात है ये भी 2 क्लिनिक हो जाएंगे क्रिश्चियनों के द्वारा काशी में, और दोनों बहुत ही मानेंगे, काफी पेशेंट्स हैं। जब कभी मैं जाता हूँ उन्हें विश्वास नहीं कर पाता, लाइन से रोकते रहते हैं दोनों ही। एक तो 5-5.5 लाख रुपए है, ये भी इनका भी है, इन्होंने भी इनको कुछ अवार्ड भी मिला है, प्रभाकर नाम है उनका ना, उनको कुछ अवार्ड मिला है किडनी के बारे में। तो कहने के बात करें हमारे कलीसिया के दोनों डॉक्टर से हमें प्रार्थना करना है इससे ज्यादा कि वो बढ़ जाए फिनेंशियल। हम चाहते हैं कि आत्मिक उन्नति भी हो जाए, वो सबसे ज्यादा मैं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे परिवार कलीसिया के परिवार आत्मिक बातों में हमको थाम करते हुए फिनेंशियल ब्लेसिंग में आ जाए, उनको बरकत दे। एक और प्रार्थना का विषय मेरे पास आया है, 2-3 आए। श्री मॉडल स्कूल में एम्प्लॉई है, नाम है रसीदा, किडनी लिवर दोनों में सूजन आने के कारण उनको भोपाल रेफर किया गया है। प्रार्थना के लिए विनती आई है, प्रभु उस बहन की सहायता करने पाए। 23 ईस्टर संडे, मैं कहता हूँ रिजरेक्शन संडे, 4 तारीख को 6 बजे से प्रारंभ होगा क्रॉस ग्राउंड में। अभी मेरे पास 32 लिस्ट आ रही है, भूख बदली हो गई ज्यादा, कई चीजें कभी हमें कई चीजें हमें जानता नहीं है। एक कभी जानता हूं वर्ल्ड फेमस कीमा, समझ जाओ कौन दे रहे हैं वर्ल्ड फेमस कीमा, फ्रूट कस्टर्ड कई वर्षों से सिंह परिवार के द्वारा आता है, राजकीय लड्डू कभी लिखा है, मगध के लड्डू खा गया, बूंदी के लड्डू खा गया, राजकीय लड्डू में कभी लिखा है, वो आ रहा है। चिकन बिरयानी भी खा चुके पहले भी, फिश फ्राई स्विगी दे रहे हैं, हमें पूरा परिवार देगा, स्विगी से मेरी बातचीत नहीं हुई अभी, लेकिन कई वर्षों से कर रहे हैं। 2 चीज इस बार आया, एक चिकन 65 भी आ गया,
दूसरा है चिकन 95, पता नहीं अब कोई 144 दे दे, चिकन 144 हो सकता है, चिकन 144 भी आ जाए। रेवरेंड विनोद सोचे क्या करना है, अपनी अस्थि नीचे कर रहे हो चलेगा। और ये अंग्रेजी में है ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, दिल्ली डिलीशियस चिकन, चलिए भैया मान लेंगे। फिलिप साहब के परिवार से आ रहा है चाइनीज फूड, केरल का फ्रूट केक आ रहा है, हम समझ गया कौन बना पाएगा। आइसक्रीम है, चिकन रोस्ट है, चौमेन है, नेपाली बेकरी पता नहीं कैसी है, मुझे मालूम नहीं, एफ सी वर्ष नहीं कह रहा था, एन एस एफ उसका पाएगा। रेनबो फूड सारे गुलाब जामुन मालूम है, गुजिया मालूम है, मोटो पोटो टिफिन, एमडी सिस्टर बना रही है मोटो पोटो, क्या लिए नाम बदल दिया मैंने, खासा स्वीट एंड सॉल्ट बहुत चीज है, कमी लिस्ट बत्ती, अब कई का नाम आया नहीं। अब जैसे गुड्डी सोच रहे पता नहीं मैं क्या करूंगा, कोई नहीं नाम ले सब कुछ, मैं नाम दे दूंगा, इंतू बिंतू कुछ मैं डाल दूंगा नाम, आप बताइए क्या लेके आ रहे हैं, मैं डाल दूंगा नाम। एलिस भी सोच रही है जिंदगी कितना बनाना का कितने किलो बना, हमने देख लिया उनकी कर रहा है। मौका मंचूरियन है, हैदराबाद लस्सी, हैदराबाद की लस्सी पता नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, विकासी की लस्सी के साथ कौन हैदराबाद लस्सी कौन है, रवि कौन है, रवि कहीं बैठे आप जहां भी शुभ है खड़े हो जाए। अच्छा वो टाइप पेन को जाए ठीक है, अच्छा समय रहे, बहुत अच्छा समय रहे। आई थी हिन्ना बैठा, आई थी आया ठीक है, हिन्ना मम्मी को बता दे छुट्टी खत्म उनकी, बहुत छुट्टी दे दी मैंने खडवा में है, बोले उनको आ नहीं, उनका एड्रेस है एक्सप्रेस ठीक है ना। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक लोग आइटम, मैं नहीं बोल रहा आपको 10 किलो बनाना, जैसे पांच पांच साहब पास 10 किलो चिकन कीमा बना रहे हैं, मैंने बोल रहा आपको बताना जो ठीक 5 किलो बोला इधर देखो मैं इधर देखो मैं इधर देखो 5 किलो बोला ठीक 5 किलो तो कहने के तात्पर्य अच्छा समय मैं सिर्फ खाने के लिए नहीं लगा सस्ते बोली मेरा नाम ही नहीं जाता, मैं मोरिसपुर कमेटी स्पेशल नाम हूं, कहने के तात्पर्य सब लोग इन्वॉल्व हो जाए, शरीर भी इन्वॉल्व होना चाहिए ठीक है, समझ गया आपने उन्हें नीचे कर लिया, समझ गए एक अच्छा समय रहेगा। तो कई लोग तैयार हैं भोजन के लिए, उस दिन 6 बजे चालू होगा, सैम सिंह के हाथ से टिकट बांटी जाएगी, उस दिन की टीम रहेगी, सुनील पीटर भी साथ में काम करेंगे और हमारे दो बोर्ड के जो एडॉप में है वो भी काम करेंगे, उसमें टिकट जल्दी जल्दी आएगी, 10 से 20 मिनट की ज्यादा टिकट नहीं रखेंगे। यदि कोई परिवार है जैसे ये क्लिनिक खोलने जा रहे हैं डॉक्टर प्रभाकर ने क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, उनकी तरफ से अनाथ बच्चों के लिए 80 प्लेट बिरयानी रहेगी आपकी तरफ से दे सकते हैं, कहने का कुछ कर सकते हैं हम लोग करें, मैं बहुत खुश रहूंगा। उसके पश्चात आज हम भजन पढ़ने जा रहे हैं, ये भजन जो है आ जाए इनको पहले जैसे मिलती है जाने में फर्क है, इस नोन एज मसीहानिक सॉन्ग, ये भजन जब हम पढ़ रहे हैं मैं लोग दोनों लोग खड़े हो जाए, एक आए भाई जेम्स बर्नार्ड पढ़ेंगे, जब जेम्स बर्नार्ड आ रहे हैं उनकी पत्नी को हम याद रखें, मैंने देखा लूथ की पत्नी को स्मरण, मैं कह रहा हूं सुशीला के पास अगर उनकी सर्जरी होने जा रही है, डेट अभी मेरे पास नहीं आई, चलिए 22 भजन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, 1 से लेकर 21 तक भाई जेम्स हम पढ़ने में सहायता करेंगे, एक आय वो पढ़ेंगे, दूसरी आय पूरी समाज पढ़ेगी, फिर 21 से लेकर 21 तक भाई थियो सिंह पढ़ेंगे और हम उनके साथ पढ़ने में सहायता करेंगे, आइए पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करना
उसके बर्थडे के पहले
जिस जगह वो काम करना चाहती है उस जगह उसको जॉब ऑफर आ जाए। प्रार्थना करते रहे, संग मैसेज भी बैठ भेजते रहे, हम लोगों की मार्च मेरा आशीर्वाद का महीना रहेगा। कल सुबह सुबह 4:30 बजे क्योंकि यहां का 4:30 वहां उसके लिए 6:30 का था शाम का। बोले डैडी दो चीज बोली, मैंने क्या पहले बोले हैप्पी बर्थडे, मैंने बोली काम 7-8 दिन और है, मैंने बोल दिया ठीक है, मैंने बोल दिया। मैंने कहा हैप्पी वीक, हैप्पी बर्थडे नहीं बोला मैंने, हैप्पी वीक। उसके बाद बोले डैडी शिफ्ट जो भी इच्छा थी पूरी हो गई, परमेश्वर द्वार खोल दिया, जॉब ऑफर आ गया, अब मुझे टेस्ट में जाना है, मैंने कल ड्रग टेस्ट देना पड़ता हूँ और मैं 20 तारीख को प्रारंभ कर रही हूँ। परमेश्वर प्रार्थना का सुनकर प्रार्थना हमारी सुनते ही वो उत्तर देता है। आज दो जन को बुला रहा हूँ, देखो और किसी को बाद में बुला रहा हूँ। पहले तो मैं हमारे सेक्रेटरी को बुला रहा हूँ, एक अनाउंसमेंट देंगे और एक छोटी दवाई देंगे। जब मैं ऊपर आ गया 10 मिनट मैंने रही कुछ मिनट सूचना देने के पश्चात वो छोटी गवाही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो निरंतर हमारे कलीसिया के
लोगों की स्तुति देते हैं। एक गॉडली फादर और मदर के तहत हमेशा चिंता करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की किडनी में स्टोन था, कई समय से उसका इलाज हम करवा रहे थे, होम्योपैथी कराया, आयुर्वेदिक करवाया, एलोपैथी भी किया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इतना जानती हूँ कि हमारे जीवन की हर नियति, हर वो क्षण प्रभु के द्वारा निश्चित है। हमारे जीवन में हर एक बातें उसकी इच्छा के अनुसार ही पूरी होती है। आपका हमको डिसीजन देना पड़ा कि उसको ऑपरेट किया जाए। एक महीने से उसको काफी तकलीफ थी। मैं प्रेयर कर रही थी कि प्रभु कोई क्रिश्चियन डॉक्टर उसको वहां मिले, और प्रभु ने सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुना। डॉक्टर जॉन कुरियन जिनके अंडर में वो गई, हमारे घर से पासवान निरंतर बिना रुके उसको मैसेज करते रहे, सांत्वना के शब्द देते रहे, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि जब मनुष्य के ऊपर दुख आता है तो उसको केवल सहानुभूति के शब्द और परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए रहती है, और वही हमें बल प्रदान करता है। मैं हमारे घर से पासवान का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उनके प्रिय पत्नी भी लगातार दूरी से कॉन्टेक्ट में थी। जब ऑपरेशन के लिए वो गई, एक घंटे के ऑपरेशन में कम से कम 3 आवर लगे। कपिल बाहर रहता था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था इतना टाइम क्यों लगा। वो स्टोन इतना क्रिटिकल पोजीशन में था कि डॉक्टर भी परेशान हो गया कि इसको मैं कैसे आउट करूं। डॉक्टर ये सोचने लगे कि क्या मालूम कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, परंतु मैं इतना जानती थी कि मेरा प्रभु वहां उपस्थित है, क्योंकि मैंने प्रभु को वहां देखा, उसकी उपस्थिति को देखा, उसके दूतों को देखा। मैं बहुत गर्व के साथ, विश्वास के साथ इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। आधा घंटा उस स्टोन को आउट करने में, उसको ब्रेक करने में लगा। धीरे धीरे उन्होंने पूरा स्टोन को ब्रेक करके उसको आउट किया। उसका वीडियो क्लिपिंग भी उन्होंने दी जो मैंने हमारे पासवान को भेजा, वो केवल इसीलिए कि ये जीवित गवाही लोगों के समक्ष पेश की जाए कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जो प्रभु हमारे लिए नहीं कर सकता। वो महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको, हमारे सहयोगी पासवान, हमारी कलीसिया के प्रत्येक लोग, हमारे हाउस ऑफ होप के बच्चे, कॉलेज के हमारे भाई बहन, जो निस्वार्थ रूप से आपने प्रार्थनाओं में मेरी बेटी को, उसके परिवार को खाया आपने, और आज उसकी चंगाई को हम देखने पाए। आज तीसरा दिन है, उसी दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, वो घर आ गई। थोड़ा वीकनेस है अभी, एक और उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जो स्टड उससे निकाला जाना है 1 हफ्ते के बाद। हम आपकी प्रार्थनाओं की अपेक्षा करते हैं, और मैं आप सबों को आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं भी निरंतर इससे के प्रत्येक लोगों के लिए, हर एक के लिए प्रार्थनाएं करती हूँ, और यही प्रार्थना का फल है जो हमारी नगरी से आज एकजुट होकर चल रही है। परमेश्वर हमारे साथ सदैव है। मैं हृदय से आप सबों की बहुत बहुत आभारी हूँ, और हृदय से आप सबों को फिर से मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सबों को जय मसीह की बोलती हूँ। मैं तो धन्यवाद तो कहने का भी आगा, जैनेट एंड जैस्मिन दोनों ने पूरी कलीसिया के लिए धन्यवाद के शब्द पहुंचाए हैं। कल ही मैंने उनको फिर मैसेज भेजा हूं,
लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहें, विशेष रूप से उनकी अनस्पोकन रिक्वेस्ट जो है उसको हम ध्यान में रखें। नीली बाब यहां पर आई है, लेकिन मैं बताया नहीं था गवाह की हम लोग कभी भी तैयार हो सकते हैं। कुछ सप्ताह आप इंदौर में रहे, मिसेस देवरे भी आई हुई है, एक दो मिनट एक पाइप के ऊपर नहीं आ पाते, हम लोग पाइप पहुंचा देंगे आपके पास। मिसेस देवरे, कई लोग काला चश्मा पहनते हैं पहचान में नहीं आते, लेकिन मैं इनको दूर से कल पिछले दौर को पहचान लिया मैंने। मिसेस देवरे की भी आंखों की सर्जरी हुई थी आज हमारे बीच में, आज पिछले दौर हुई थी, क्योंकि जब इनको दिखाया, जिस डॉक्टर को दिखाया उन्होंने बोला
बोला मैं अपने तरीके से देखूंगा, मैं अपने तरीके से जांच करूंगा उन्होंने किए। और उसके बाद जब वो नॉर्मल हुए, पहले वो नाराज हुए, उसके बाद वो जब नॉर्मल हुए और इनकी जांचें हुई, जब ये एंडोस्कोपी के लिए सेकेंड टाइम जाने लगे, ये बहुत घबरा गए। बोले मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। तुरंत मैंने उनके पेट के ऊपर हाथ रखे और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इनको तेरे हाथ में देती हूँ, तू ही आश्चर्य कर करने वाला खुदा है। हर वक्त मैं प्रार्थना करती रही वहां बैठी, मेरे आंसुओं की कदर करने वाला खुदा आज भी जीवित है, आगे भी है और हमेशा वो हमारे साथ रहेगा। फिर प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। और मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी, तीनों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हर पल हमारे साथ खड़े रहे। और परिवार के लोगों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर से मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ। एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, यशा 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाए हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर के वचन पर आज पहली रिपोर्ट हमने देखी, हम दोनों देखा पूरा। मैं भी सुन भाई को ही समझाया, लेकिन बिड्डू को मैं समझा दी। मैं पीछे लगा रहा, प्रार्थना चल रही थी, तो मुझे मालूम है प्रार्थना का प्रभाव हुआ, परिवार वाले चर्च के लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा होगा एक और सेकंड ओपिनियन ले लो। चार पांच दिन के बाद कल लोग गए यहां से भोपाल, जब आज सुबह मालूम पड़ा रिपोर्ट काफी बदल गया, काफी बदल गया और बदलते रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है और हमारे साहस को बढ़ाता है। दशवंत भी उठाने में आ जाए उसी समय, मैं सोच रहा हूँ नाम क्या है, तेजर का नाम मुझे मालूम है, मिस्टर अभिषेक पीटर आ जाए, एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, विशेष गीत था उनका। शादी हो गई, बस मन से सोनू बोलूंगा नहीं, सिर्फ आज के दिन ही बोलूंगा। आ जाए दान उठाने वाले, आ जाए जहां भी बैठे, आ जाए विशेष दान दशमांश, ये दोनों मित्र की गाय है। आप सभी को जय मसीह।
उसके अनुसार इस सप्ताह में दो बर्थडे हैं, एक हो गया अंजलि पीटर का बर्थडे हो चुका है आज सवेरे, आज सुनील गुप्ता का परिवार रीना गुप्ता का बर्थडे मना रहे हैं गवा में। मैंने ढाई के उपाध्याय मैं से दे दिया प्रार्थना कोई के लिए, कलीसिया वाले भी इन दोनों को प्रार्थना में स्मरण रखें। मैंने सूचना नहीं दी कि कौन मेरा अनुवाद करेगा, लेकिन मैंने एक अनुवाद सुन चुका हूं पास्टर विल्सन के द्वारा। हमारे पास रमण लक्ष्मण भी हैं, वो भी अनुवाद करते करवाएंगे और करवाएंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप मेरा अनुवाद नहीं आए पास्टर विल्सन नंदा ने, और सिंपल रखा हूं मैंने, आज कोई बड़े शब्द नहीं लाए हम, कोई बड़े शब्द हैं पास जोश से हिंदी में नहीं लेना। As we are sitting around this table, जिस तरह हम इस मेज के चारों तरफ चारों बैठे हुए हैं, I was thinking for last 4-5 days, what should I bring for this communion service, because there's another communion coming on Good Friday. चार पांच दिन से मैं इस बात पर विचार विमर्श कर रहा था कि इस प्रभु भोज के बेच के संबंध में मैं कौन सी बातें कलीसिया के सामने लेकर आऊं, क्योंकि आने वाले समय में भी एक और प्रभु भोज की आराधना होगी। Every time I'm pondering, Holy Spirit is asking me to go to Book of Revelation. हर बार मैं इस तरह विचार विमर्श करता हूँ, सोचता हूँ, और पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशित वाक्य की ओर लेकर जाता है। I said, Lord, what do you want me to do from Book of Revelation on the communion service? मैं पूछता हूँ कि परमेश्वर पिता को मुझसे क्या चाहता है कि मैं उस प्रभु भोज के संबंध में उस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाऊं। I do believe when you are not sure what to do with a passage or the text or the book, look to the author of the book. मैं विश्वास करता हूं कि जब आप ये नहीं जानते क्या करना चाहिए, तो उस जो पुस्तक का जो लेखक है उसके संबंध में या उसके बारे में सोचो। I remember when my dad got very weak. मैं सोचता हूँ जबकि मेरे भाजी कमजोर होते जा रहे थे। He said, "Son, I want you to finish the last chapter of my book." उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं जीवन का ये अंतिम जो पन्ना है, अध्याय है, उसे पूरा करना चाहता हूँ। मेरी पुस्तक का, मेरी पुस्तक का जो अंतिम पन्ना है, मैं उसे पूर्ण करना चाहता हूं। I said, "Dad, impossible. That's very impossible task you are asking me to do." प्रकाश पिताजी, तो बड़ा मुश्किल वाली बात है कि अंतिम वो क्षण या अंतिम पन्ना पूरा आप कर पाए। I said, "If you want, I can write the title for your book." आप चाहते हैं तो मैं आपकी पुस्तक के लिए एक शीर्षक लिख सकता हूं। But only author knows how to close a book. केवल लेखक जानता है कि उस पुस्तक को किस प्रकार समाप्त की जाए, पूर्ण किया जाए। We are the last book of the Bible. हम बाइबल के उस अंतिम चरण में या अंतिम पन्नों में हैं। Question to the author. तो मैं फिर लेखक से सवाल पूछने लगा। I said, "Lord, why you want me to speak on communion Sunday from Revelation?" मैंने पूछा कि प्रभु क्या चाहता है, क्यों चाहता है कि इस प्रभु भोज की आराधना में
many messages, not in a class, in class, I give only two messages, but I have many messages from the book of Revelation. So I thought maybe God wants me to do something with worship. मैंने कई संदेशों को इस पुस्तक से दे चुका हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं सोचा that I will speak on communion Sunday from Revelation. मैंने इस बात को कभी विचार नहीं किया कि इस प्रभु भोज के इस रविवार को मैं इस पुस्तक से प्रचार करूंगा. Try to break the sentences now. एक दिन आया मैं हिंदी में प्रचार कर पाऊंगा. मैं हिंदी में पढ़ाना चालू कर दिया हूँ. साल में दो बार पढ़ाता हूँ हिंदी में. So it will come back to me. Now listen to me. When you look to the communion table, जब आप इस प्रभु भोज के इस मेज को देखते हैं, and turn the pages or turn to book of Revelation. और जब आप प्रकाशित वाक्य के उन पन्नों को पलटते हैं, एंड व्हेन यू लैंड ऑन चैप्टर 1, और जब आप उस पहले अध्याय के उस पन्ने में आते हैं, देयर आई सी समथिंग व्हिच आई कैन लर्न फ्रॉम कम्युनियन टेबल, तो मैं वहां पर मैं इस बात को कुछ देख नहीं पाता हूं जो मैं इस मेज के संबंध में कुछ सीख पाता हूं, समझ पाता हूं. I'm just trying to have a flow for Pastor Wilson, so I'm going slow now. I like to see, or I will show you four things from one and a half scripture, chapter 1, about the benefits and the blessings of the communion. Four things from that part, I want to keep in front of you our आशीष के लिए और हमारे उन्नति के लिए. So, are you ready now? क्या आप तैयार है? Let's take a journey into chapter 1 and we'll read verse 5, the last portion of verse 5 and the whole verse 6, chapter 1. तो आइए हम अपनी यात्रा इस पहले अध्याय में पहले अध्याय से आरंभ करें. पांचवें आयत का अंतिम भाग और छठवीं आयत को हम पूरी तरह से पूरा पढ़ेंगे. और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है. तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे. वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक भी बना दिया. उसी की महिमा और पराक्रम. Unto him who loved us. वो जो जिसने हमसे प्रेम किया. Now in most the translations say unto him who loves us. Present tense. अब बहुत से अखबारों में वर्तमान की अवस्था को दर्शाया है कि वो जो हमसे प्रेम रखता है. And delivered us from our sins. और उसने हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा छुड़ाया है. Delivered us, washed us, cleansed us with all different translation from our sin by His blood. उसने हमारे पापों से हमें शुद्ध किया है, हमें छुड़ाया है, हमें मुक्ति दी है. ये अलग अलग अनुवाद है कि उसने अपने लहू के द्वारा ये कार्य किया है. नंबर 3, He has made us kings. और तीसरी बात, उसने हमें राजा ठहराया है. Now, some of the translations kingdom, but when you go to the original language, it says He has made us kings. कई अनुवादों में राज्य या लेकिन इस अनुवाद में राजा आया है. एंड नंबर 4, और चौथी बात, ही हैज मेड अस प्रीस्ट, और उसने हमें याचक ठहराया है. व्हाट डेप्थ वी हैव इन दिस वन एंड हाफ स्क्रिप्चर. ये
इन देर उन वर्षों में कितनी गहराई पाई जाती है that he has loved us. कि उसने हमसे प्रेम किया you are not here to partake from this communion because of your ability, your intellect, your wisdom and your wealth. आप इस मेज में इसीलिए सहभागी नहीं होते हैं क्योंकि आपकी प्रवीणता, आपकी बुद्धि या आपका और प्रायापन. When I see the communion, right away, my heart, my eye focuses on the love of God. जब मैं इस प्रभु भोज की इस आराधना को इस मेज को देखता हूँ, मेरा ध्यान, मेरे विचार परमेश्वर के उस महान प्रेम की ओर जाते हैं, लग जाते हैं. Bible says he has manifested his love by dying for you and I on the cross of Calvary. Bible इस बात को बताती है कि उसने अपना प्रेम प्रकट किया कि वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया. So in other words, when you come to the table, you're reminded for the cross of Calvary. जब भी आप इस मेज के सन्मुख में आते हैं, ये मेज आपको कलवरी के उस क्रूस को स्मरण दिलाती है. When you can see the love of God in demonstration or in manifestation. वहां पर में आप परमेश्वर का प्रेम जो मानव जाति के लिए प्रकट किया गया. God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है. My God has loved me so much. मेरे परमेश्वर ने मुझसे बहुत प्रेम किया. And my God has loved you so much. Communion service, our heart should be full of gratitude. जब आप इस मेज में शामिल होते हैं, जब आप इस मेज के सम्मुख में आते हैं, आपका हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए. I will go very fast and give you 14 things about the love of God to you and I. बड़ी तेजी से आगे बढ़ूंगा और लगभग 14 बातें परमेश्वर के प्रेम के संबंध में मैं आपको बताऊंगा. I will not have time for exposition, but I will just read the scripture so you can read and be ready for next communion on Good Friday's morning. मेरे पास में उतना अधिक ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं उसको विस्तार पर बता सकूं. मैं केवल बिंदु आपके सम्मुख में रखूंगा और आने वाले समय में पढ़े को जब हमारी भोज की आराधना होगी उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे. Whenever you come to the communion, you must know there's unmerited love, or the love is unmerited in its object. जब आप इस मेज के सम्मुख में आते हैं, बेशक या बिना शक का वो प्रेम आप स्मरण करें. 1 John chapter 4 verse 10 is very clear on that one. पहला योना 4:10 उसमें बड़े स्पष्ट रूप में दिया गया है. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, जी हाँ, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा. Unmerited in its object. Beauty about the love of God in for you and for me. परमेश्वर के प्रेम की सुंदरता आपके लिए और मेरे लिए. नंबर 2, दूसरी बात, we were not seeking for that love. हम उस प्रेम को नहीं ढूंढ रहे हैं. And we were sinners. जब हम पापी थे. It's easy to learn good people, good friends who have all the good deeds and good thing about you. ये बड़ा सरल है, बड़ा आसान है अच्छे लोगों को ढूंढना जो कार्य आपके लिए अच्छा कर पाते हैं. बहुत ही आसान है पापों को देखना. Will you love your enemies? लेकिन क्या आप अपने शत्रु से, दुश्मन से प्रेम करेंगे? Will you love righteous people?
people, pastors, leaders, will you love sinners? क्या आप जब उस प्रकार के धार्मिक हैं, धार्मिक हैं, क्या आप अपने शत्रु से प्रेम करोगे? Romans chapter 5:8 tells me, unsought, this love was unsought in action. वहाँ पर में रोमियो और उसका 5:8 में हम देखने पाते हैं उस प्रेम की जो गहराई है, उसकी सुंदरता। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की गहराई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। When we were yet sinners, he loved us. जब हम पापी ही थे उसने हमसे प्रेम किया। अतः जब भी हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचे? क्योंकि बैर होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? You can see God's love, love of God is unsought in action. जब आप इस प्रेम के निकटता में आते हैं, तब आप परमेश्वर के इस प्रेम को जो कार्य रूप में आपके जीवन में प्रस्तुत हुआ। We were sinners. हम पापी थे। We were enemies. हम तो पहले थे। But he loved us. लेकिन उसने हमसे प्रेम किया। I don't know whether you will get the depth of love which he has given to you and I, or the love he has for you and I. I think we should burst out and shout, Hallelujah, praise the Lord. मुझे नहीं मालूम कि आप उसके प्रेम की उस गहराई को आप कितना समझ पाते हैं, कितना जान पाते हैं। तो आप ये समझ पाते हैं तो हमें चाहिए कि हम बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ हालेलुया कहते हुए उस जोरदार उस नारे को हम लगा। I'm writing some questions I'll be asking Jesus when I go to heaven. मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ और जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा ये सवाल मैं प्रभु यीशु मसीह से पूछूंगा। Nothing wrong, you can ask. कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं। बिल्कुल यकीनन मैं इस सवाल को पूछूंगा। What was the attraction you found in my life to love me? मैं पूछूंगा कि मेरे जीवन में हे प्रभु तुमने ऐसा क्या आकर्षण देखा कि मुझसे प्रेम करे? मैं गाना सुन रहा था। He was trying to explain God's love looking to his wife. मैं एक ऐसा गीत सुन रहा था कि वो परमेश्वर के प्रेम को प्रस्तुत कर रहा था अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए। You can do that. आप वो कर सकते हैं। Let's hear why. वो आपकी पत्नी है। But we were enemies. लेकिन हम तो दुश्मन थे। Unjustified, unsanctified. हम तो अधर्मी, अपवित्र लोग थे। He loved us. लेकिन उसने हमसे प्रेम किया। उसका प्यार कितना महान। Amen. Hallelujah. ऐसे उसका प्यार कितना महान। Amen. Amen. मैंने कहा उसका प्यार कितना महान। Thank you Lord. Hallelujah. You were rejected by your family. जब आप अपने परिवार के द्वारा तिरस्कृत किए गए थे। Everyone thought you are good for nothing. हर कोई कह रहा था कि आप किसी काम के नहीं। I'm telling about my testimony. मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ। People thought he will not shine for God. उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर के लिए कभी भी पूरी तरह से चमक नहीं सकता। Even my relatives thought I will never come into the ministry. यहाँ तक कि मेरे अपने रिश्तेदारों ने सोचा कि कुछ भी हो जाए सेवकाई नहीं आ सकते। I thank God for His love when I come always, not just in a communion, but whenever I come in His presence. Thank you, Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, न केवल इस मेज के सामने में, लेकिन जब कभी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Believers, listen to my heartbeat today. विश्वासियों, मेरे दिल की धड़कन को आप सुनिए। I'm not saying this is my last message for HRC Church. मैं ये नहीं कह रहा
कि ये किताब से कलीसिया के लिए मेरा अंतिम संदेश है। नहीं, मेरा अंतिम संदेश नहीं है। नहीं, ये अंतिम संदेश नहीं। But I just want to let you know my heartbeat. लेकिन मैं केवल ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल की धड़कन। और इस थिंग लला उठा। हमेशा परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करो। When I see the church, the congregation, the believer, जब मैं कलीसिया को देखता हूँ, जमात को देखता हूँ, विश्वासियों को देखता हूँ, I think about the third point about the love of God. तो मैं ये तीसरा बिंदु जो परमेश्वर का प्रेम है उसके बारे में सोचता हूँ। His love is universal. उसका प्रेम सार्वभौमिक है। It's for the people from Odisha, Jharkhand, Bihar, Tamilnadu, Chennai, Kerala, you name it, everywhere. You go to America, you can see the love is manifested in Russia and Africa, everywhere. That tells me His love is universal. आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में जाइए, भारतवर्ष के बाहर के किसी भी आप देश में जाइए, परमेश्वर का प्रेम जो है वो सार्वभौमिक तौर पर देखने को मिलता है। How I know God's love is universal? ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है या सार्वभौमिक है? John 3:16 हिंदी पढ़े अंग्रेजी में बोल सकते हैं। यूहन्ना 3:16 इस बात को दर्शाता है। That gives you good reference that His love is universal. ये वो वचन है, ये आयत है जो बताती है कि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, सार्वभौमिक है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने सिमोनी सवाल थे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने नहीं पढ़ दी नहीं लोगों आगे पढ़ना। परमेश्वर ने चार कर्मवालों से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो जानते हैं मेरे साथ हालेलुया बोले। अच्छा तो हमें मैं यार कैसे बताते हैं उसने सारे संसार से प्रेम करते हैं। उसमें हम सब इंक्लूड हैं, छोटे बच्चे भी इंक्लूड हैं, बड़े बच्चे भी इंक्लूड हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिवर्सल। इस सार्वभौमिक परमेश्वर के प्रेम में हर कोई शामिल है। What a privilege we have when we see our elders, our board member from different region are serving the communion. ये कितना अद्भुत और कितने आशीष की बात है कि जब हम हमारे प्राचीनों को हमारे उन कमिटी में पाए जाने वाले लोगों को जब उस बात को देखते हैं कि वे इस मेज की किस प्रकार सेवा करते हैं। Unhappy people from Mahasa is included in this one. मैं बड़ा आनंदित हूँ कि इसमें महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। सोलापुर की चार भी शामिल है। मिस जा रही है हमारे साथ, मैं जा रही हूँ। क्या कहते हैं Everyone is included. हर कोई इसमें शामिल है। Are you happy? क्या आप खुश हैं? And are you happy? क्या आप खुश हैं? In if I speak in the Kerala I say, it's not just for Suryani Christian, Senior Christian. जब यदि अगर मैं केरला में प्रचार करता तो ये कोई सीनियर सीरियानी सीनियर क्रिश्चियन के लिए नहीं है। नॉट फॉर नाडा आई कैन गिव ऑल द दैट आई एम प्रीचिंग कर इज फॉर ऑल यूनिवर्सल। ये सार्वभौमिक है, ये सबके लिए है, केवल एक सीमित स्थान के लिए नहीं। लव ऑफ गॉड परमेश्वर का प्रेम दिस लव ऑफ गॉड इज नॉट बाउंडेड। ये परमेश्वर का प्रेम किसी बंधन में या सीमा में बंधा हुआ नहीं है। नंबर 2 चौथी बात व्हाट इज इफिसियंस चैप्टर 4 2 वर्स 4 यू विल गेट द राइट वर्ड देयर। आइए आइए हम इफिसियो 2 के 4 में चले। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण। हाँ आ गया अपने हाँ लता सिस्टर सुने ना, लाजर सिस्टर सुने ना, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ हालेलुया हम लोग जब
उसने हमसे कर लिया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिला दिया। समझिए कम से कम नहीं है, जब आप मेज के सम्मुख में आते हैं, you can say yes, I was dead in sin, now I'm dead to sin। हाँ, आप इस बात को कैसे मानेंगे कि मैं पाप पाप में मर रहा था, लेकिन अब मैं पाप के लिए मर गया। I thank God, He has resurrected me। Resurrection Sunday is coming soon. Oh, think, Raywar, बहुत जल्द आ रहा है। April 4th, Resurrection Sunday. ये आने वाला है, वो पुनर्उत्थान का रविवार रहेगा। For a believer, every day is a resurrection day. हर एक विश्वासी के लिए हर रविवार एक पुनर्उत्थान का रविवार है। ये मुर्दों के लिए नहीं है। अब बोले, हम तो सब जीवित हैं। हमारे हाथ में है, हमारी आम हमारी उन्हीं नाम में भी जा रही है, एक और पकड़ लिया, कहने का तात्पर्य हम तो जीते हैं। यदि आप पाप में हैं, लिविंग इन सिन, यू आर डेड। यदि अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं, तो आप मरे हुए हैं, आप मृत हैं। आई एम एक्साइटेड। मैं तो बहुत उत्साहित हूं। आई हैव बीन रिज़रेक्टेड। मेरे पास में पुनर्जन्म जीवन है, एक पुनर्जन्म जीवन मेरे पास में है। Now we read all the time Galatians 2:20, I have already mentioned, but we put in the last portion 2:20 पढ़ी थी। गलातियों 2 उसका 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़वाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा। पर मसीह मुझ में जीवित है। So when you come to this communion table, क्या बोलेंगे आप? अब मैं बोलिए बोलिए। आप तो जीवित ना रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। Lord is living in us, in me। परमेश्वर हम में और मुझ में जीवित है। When God is living in you, जब परमेश्वर आपके जीवित है। I said when God is living in you, जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आप में जीवित है। जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you will shout hallelujah। तो आप जोर से चिल्लाएं, आप जोर से चिल्लाते हैं या चिल्लाएंगे। God is living in me। परमेश्वर मुझ में जीवित है। Yes, this table tells me he died। हाँ, ये मेज मुझे इस बात को बताती है कि वो मेरे लिए मर गया। But this Bible also teaches me through the communion। Till I come, do it in my remembrance। लेकिन मेरी बाइबल इस संदर्भ में ये बताती है कि जब तक मैं ना आऊं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Simon, he will come back। मुझे मालूम है कि वो वापस आने वाला है। I don't come to the communion table to give thanks to dead God। मैं इस मेज के सम्मुख में इसलिए नहीं आता कि मैं उस मरे हुए परमेश्वर के लिए धन्यवाद दूं। वो जो क्रूसिफ हुआ है उस मसीह के लिए। कई लोग वहीं पर से छोड़ देते हैं, वो तो जाते कसमी वाटिका से जाते हैं और सीधा करवाने गोलगफा पर जाकर इस वजह से लटका देते हैं। जैसे कि नहीं ध्यान से सुनिए, इस स्टोरी जब तक एंड है वहां पर मेरे उस कहानी का अंत नहीं हुआ। ही रोज फ्रॉम द डेड, वो मृतकों में से जी उठा। एंड ही इज लिविंग इन मी, और वो उसमें जीवित है। एंड ही इज लिविंग इन यू, वो आप में जीवित है। God is a good God। परमेश्वर भला परमेश्वर। Start thinking about the love of God। उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में विचार विमर्श करना शुरू करो। Ephesians chapter 3 verse 19 where you see the fullness of His love। Ephesians 2 के 19 में आइए, वहाँ पर तीन के 19। तीन के 19 में आए हैं और वहाँ पर भी आप परमेश्वर के प्रेम की उस परिपूर्णता या भरपूरी को आप देख पाते हैं। और मसीह में उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। एक और पढ़ दीजिए। और मसीह में उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। इसका मतलब आप मसीह के प्रेम की ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़िए फिर से एक और बार कहेंगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको।
और उसको कभी आप ध्यान नहीं पाते। मैं तो दूर बोल रहा हूं, लिखना मेरे बारे में लिख लोग लिखते हैं पेपर में, लिखते मेरे बारे में लिखने दो, लिखते हो। मैं तो कह रहा हूं पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़ होते ना वो ही है। हम उसके प्रेम को जान सकते हैं। फिलिप भाई का बैठे फिलिप निर्मल बैठे हैं हमारे हाँ बैठे चलिए कहने के बात के लिए हम जान सकते हैं। और फिर बड़ी मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आया। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी करके परिपूर्ण हो जाओ। I come to the communion. मैं देश के समूह के से आता हूँ। So I can have the fullness of God. वो परमेश्वर की वो जो भरपूरी है जो परिपूर्णता मेरे अंदर आ जाए। आपको उसकी परिपूर्णता उसकी भरपूरी मिल सकती है। मेरा परमेश्वर अच्छा भला परमेश्वर। I like to read chapter 8 of Romans, but I don't have time to read the whole chapter 8. मैं रोमियो की पत्री का आठवां अध्याय पढ़ना चाहता हूँ। उस अध्याय के समापन में हम आ जाए न गहराई और कोई और Father put him in
पिता ने उसको बिछौने पर रखा। But he is still crying. He said, "Dad, I'm fearful." वो फिर भी रो रहा था और कह रहा था, पिताजी, मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है। His dad was reading the newspaper in his recliner and saying, "Son, don't worry, I'm with you." उसके पिताजी जो है, वो वहाँ पर में पेपर सुबह पाँच पढ़ रहे थे और कह रहे थे, "नहीं, नहीं, डरो मत, नहीं इस पर भी, नहीं इस पर यहाँ भी थी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ." Son, 7-year-old son tells dad, "Dad, will you come in the bed with me?" वो 7 साल का बच्चा अपने पिता से इस बात को कह रहा है कि पिताजी, क्या तुम मेरे साथ मेरे बिछौने पर आओगे? Father said, "Why? Why you want me? I'm in the room." फिर आई ने पूछा, क्यों? तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहाँ हूँ? मैं तो कमरे में हूँ। Son says, "Dad, when I see your face, all my fear is gone." उसने कहा, पिताजी, मैं जब कभी आपके मुख को देखता हूँ, चेहरे को देखता हूँ, मेरे जीवन से वो डर दूर हो जाता है। God who says, "I'm with you." परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे संग हूँ। जो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, same God is saying, "Doctrine and you will be saved." जो परमेश्वर आपके साथ में है, वही परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरी ओर देखो, मेरी ओर ताको। So when you look to the face of Lord Jesus Christ, the face which was disfigured for you and I on the cross of Calvary. जब आप प्रभु यीशु मसीह के उस चेहरे को देखते हैं, वो चेहरा जो कलवरी के क्रूस पर पूरी तरह से कुरूप निचार था, the one who was fairer than 10,000. वो जो 10,000 से भी उत्तम है, when you look to him, जब आप उसकी ओर देखते हैं, you will never be put to shame. तो आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे. Love of God, परमेश्वर का प्रेम, as the love of God, परमेश्वर का प्रेम, which passes all my understanding. जो मेरे समझ से पूरी तरह से समझ से परे है. कि अभी यू 7 words and then keep it in your notes. मैं आपको 7 वाणी दूंगा, आप अपने डायरी में आप उसको लिख लीजिए. I give you 7 things about the love of God. मैंने 7 बातें परमेश्वर के संबंध में आपको दिया है. Now 7 very simple things. और आप 7 बहुत ही सरल बातें. 1 John 4:9. His love was manifested. पहला ये होना चाहता था कि उसका प्रेम जो है वो प्रकट किया गया. Number 2, दूसरी बात, his love was commended. और उसकी जो उसका प्रेम जो है वो क्या कहते हैं, आज्ञा दी गई है. Number 3, तीसरी बात, 1 John 3:1-3. पहला ये होना 3:1-3. So you can see his love was bestowed upon you and I. उसका प्रेम आपके और मेरे ऊपर में पूरी तरह से फहराया गया है. Number 4, चौथी बात, His love can be, will be, shall be enjoyed based on Romans 5. Romans 5 के आधार पर परमेश्वर का प्रेम जो है वो आनंद या खुशी से परिपूर्ण है. Number 6, चौथी बात, His love can be perceived. हम इस प्रेम का पीछा कर सकते हैं. We can perceive. तो क्या है? पढ़ दिए. 1 John 2:5. Which is the right word? 2:5. पहला योहन्ना 2:5. पर जो कोई उसके वचन पर चले, हाँ, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है. उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है. इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं. हम उसमें. When love, हमने क्या बोला? प्रेम से. When love of God is perfect
other people will know. पर अन्य लोग इस बात को जान पाएंगे. And I want to close and start a communion. मैं इस कम्युनियन की सभा को आरंभ करना चाहता हूँ. What we get from this? Now there are many blessings are there. I'm going to give you one. हमने इस परमेश्वर के प्रेम से क्या पाया? बहुत सी आशीष है. उनमें से एक आपको देना चाहूंगा. Let me read Romans chapter 8. आइए मुझे पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री उसका आठवां अध्याय वर्स 29 29वीं आयत. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है जी हाँ कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में प्रबलता रखे. 8:29 Romans 8:29 32 में जाए जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया जी हाँ वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा. We have seen the love of God. When we come on the table, we know God the Father has sent His Son to die for you and I. जब हम इस मेज के करीब आते हैं तो हम इस बात को जान पाते हैं कि पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में मरने के लिए भेजा. Greatest gift for the greatest problem, which is the sin. एक बहुत बड़ी समस्या के लिए एक बहुत बड़ा उपहार. But I say, He will give you more. वो और कुछ उससे बढ़कर क्या मिलेगा? जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा. इसका यह मतलब है कि जब हम इस मेज के सामने आते हैं हमारे लिए और भी बहुत से आशीष हैं. मैं ये उत्तम शुक्रवार के सभा में करूंगा. आइए मुझे इसको समाप्त करें. He has loved us. उसने हमसे प्रेम किया. He has washed us or cleansed us. उसने हमें पूरी तरह से धोकर शुद्ध कर दिया. He has made us kings. उसने हमें राजा बनाया. And number 4, He has made us priests. और उसने हमें याजक बनाया. When I teach the pastors, I say, "Please, सामने कोई नहीं बोला." हम प्रभु के छोटे मोटे दास हैं. हम धूल मिट्टी और राख प्रार्थना करते हैं. विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं. क्या प्रार्थना करें? हम धूल मिट्टी और राख विश्वासी है. देखिए ऐसे प्रार्थना ना करें. ज्ञान से भी प्रार्थना बुद्धि से भी प्रार्थना करना. वी वेर नोबडी इन द बाइबल से ये वी गुड कंडक्टिंग बाइबल ये हमको बताती है कि एक समय था जब हम कुछ भी नहीं थे. But we came in Christ. When we see the communion, I have a position. लेकिन जब हम मसीह में हैं, जब हम इस मेज को देखते हैं, एक आस्वरण आती है कि मसीह में हमारा एक उच्च या महत्वपूर्ण स्थान है. He loved us. उसने हमसे प्रेम किया. He lifted us, so we became kings and priests. उसने हमें उस राजा और उस राजकुमार के श्रेणी में ऊंचा उठाया. He lavished on us, and He lavished us with all the blessings. और उसने उन तमाम आशीषों के साथ हमें भरपूर किया. He liberated us from sin. उसने हमें उस पाप से मुक्ति या आजादी दिया. And He has given freedom from stinking thinking. और उसने मुझे उन सड़े और बुरे विचारों से पूरी तरह से आजाद कर दिया. I'm glad I can be part of this communion today. मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ कि मैं इस मेज का भागी हो सकता हूँ. मरते दम तक मैं उसके प्यार का बखान करता ही रहूंगा. मैं उसके प्यार का बखान करता ही रहूंगा जब तक मेरी नथनों में सांस है, मेरी हड्डियों में ताकत है, जब तक खून मेरे शरीर में बह रहा है. I declare the greatest love He has for me and for you. मैं उसके इस महान प्रेम को प्रदर्शित करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा जो आपके लिए और मेरे लिए है. It is the greatest reality that sin is the biggest problem.
ये एक सबसे बड़ी महान सच्चाई है कि पाप जो है वो हमेशा कुछ न कुछ समस्या को उत्पन्न करता है। But I have greatest joy and this morning I can live a victorious life, a desired life because of the love of God. I wrote down a few things and I thought I would have time to share today. मैंने कुछ बातों को लिख कर रखा था और मैं सोच रहा था कि उसको कहने के लिए मेरे पास में समय रहेगा। So I have a note for maybe for next month. हो सकता है ये जो नोट है वो अगले माह के लिए होता है। What a God is so rich. परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही धन से भरा हुआ है, गहरा है। Very rich. बहुत गहरा। If you forgot everything you were saying, एक दो दिन सो रहे थे, देखा मैंने, हम मेरे से मिल लेना चाह रहा, सो रहा था पूछ लेना। If you forgot everything, यदि आप सब कुछ भूल जाते हैं, do not forget. God has love for you still. लेकिन आप इस बात को ना भूलें, अभी भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Creator of the universe. सारे संसार का रचयिता, Redeemer of all human mankind, सारे मानव जाति का छुड़ाने वाला, loves you so much, आपसे बहुत प्रेम करता है। आपकी डैडी मम्मी आपसे प्यार नहीं करते होंगे, आपकी पत्नी, और नहीं बोला नहीं यहाँ पर, ये पीसी गिटार से, forget, don't worry about anything, God has you, सारी बातों को भूल जाए, सिवाने, परमेश्वर की प्रेम को याद करें। Because if you have the love of God, यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, you will have a big heart for forgiveness. तो आपके अंदर एक बड़ा महान एक दिल होगा, हृदय होगा, क्षमा करने वाला। अब मैं थोड़े एक रेडी आ जाए हमारे बोर्ड मेंबर्स, कैबिनेट मेंबर्स आ जाए, पास लोग आ जाए। एक चेतावनी क्या होती है हिंदी में? चेतावनी। चेतावनी देने जा रहा हूँ। यदि आप चर्च आते हैं 9 बजे, शायद फिर मत निकल जाना, फिर 9:20 को चर्च के अंदर आते हैं, शंकर होकर आपका ओपिनियन न्यूज करने के लिए। मेरे ड्राइवर को भी कई लोग पूछते रहते, आज की न्यूज क्या है, आज की न्यूज क्या है, अरे आपको न्यूज लेना है ना, उससे बात करो, उससे नहीं मत आ जाओ मेरे पास। ड्राइवर से मत पूछना, अन्य लोगों से नहीं पूछना, मुझसे पूछिए, हिम्मत आ जाओ, पूरा खोला खोला मैं न्यूज दे दूंगा, फैक्स न्यूज दे दूंगा, फॉक्स न्यूज दे दूंगा, एबीसी न्यूज दे दूंगा, लेकिन मेरे ड्राइवर को चर्च जाते समय शंकर होटल लेके जाना नहीं, आना इसको जाना है, आप जाइए कहीं न्यूज लेके चले आए, निश्चय से नहीं आना। मुझे बहुत दुख होता है, चर्च के विश्वास स्कूल के बारे में ड्राइवर से पूछते हैं, शंकर होटल में क्षमा करना, मैं गुस्से में भी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में है, मैं भूल जाऊंगा, ऐसी गंदी आते हैं आप छोड़ देंगे, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन गंदी आदतें करते रहोगे ना, सजा अवश्य मिलेगी। आई हम कह हो जाए हो चुकी, सुनते गुरु वा, वो मेरे
If you study the Roman cross, वो letter T के समान था, सिर्फ देखने के लिए उस पर जगह भी नहीं थी। अभी जो क्रॉस कर रहे बाजार में उसमें ऊपर देख सकते हैं, नहीं था। आपके पाप के कारण, मेरे पाप के कारण इतना दुख परमेश्वर ने सहा। मैं अनुरोध करूंगा भाई सुनील पीटर से इस रोटी की प्रार्थना करें। Oh,
नाम से हम आपके सामने आते हैं। उसने कटोरे को लेकर कहा, यह तुम्हारे लिए पीसी की चार सीखे सदी विश्वास है, ये तुम्हारे लिए मेरी लहू में एक नई वाचा है, जब कभी तुम इसमें से पीते हो मेरे मृत्यु को स्मरण करते हो तो मेरे मृत्यु का प्रचार करते हो। कटोरा जब आपके पास कब आपके पास आएगा पकड़े एक तीनों ने एक साथ पकड़े। सारे पापों का मीठा के मुक्ति दे दे के लिए, सारे पापों का मीठा के मुक्ति दे दे के लिए, मुक्ति दा Hey.
होने जा रहे हैं। 200 साल पहले ये थे, मारा गया, गाया गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, फिर क्यों बोले हालेलुया मेरा प्रभु। रुके, यदि आप बीमार हैं, कमजोर हैं, आपके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ये टेबल को हम लोग पीछे कर दें जरा। हालेलुया और कौन है तैयार? फिलिप का मन हो
ऊपर रख दे, आ जाए आ जाए आ जाए, आप जाए आपका जैकेट अच्छा दिख रहा है, जल्दी आ जाए। यशप्पा जेल बजाता है, आपकी जोड़ी लगा रहे क्रिसमस में आपके नी के साथ आज थे, याद है आ गए जवान, वो भी जवान है। चलिए आ रही है, हम यीशु मसीह की गाना है, अरे वो जिंदा हो गया, हम जिंदे यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहे हैं। गीतों में भी चंगाइयां होती है, मेरे गीतों में भी चंगाइयां होती है, उठाए पास जो Oh,
तेरी महिमा करने के लिए, तेरी उपासना, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जो अवसर दिया उसके लिए प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा करते हैं। तेरी ही निकट प्रभु वास्तविक रूप में आनंद की भरपूरी है। प्रभु जब हम तेरे सन्मुख में आते हैं, तेरी ओर देखते हैं, तेरे चेहरे को निहारते हैं, तुझसे बातचीत करते हैं, प्रभु उस स्वर्ग की आनंद हमारे जीवन में आ जाता है। उस स्वर्ग के आनंद से प्रभु तू हमें परिपूर्ण करता है। इसलिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस मेष के लिए, इस पवित्र मेष के लिए, इसमें भी शामिल होने का अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया। प्रार्थना करते हैं जितने विश्वासी भाई बहन प्रभु इस मेष में शामिल हुए हैं, प्रभु उनका इस मेष में शामिल होना उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु एक आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के मेरे जीवन वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे दास प्रभु के थॉमस के लिए जिनके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया। तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की सच्चाई, तेरे प्रेम की वास्तविकता को सुनने का, समझने का अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया कि तेरे प्रेम से हमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। प्रभु जब हम तेरे साथ जुड़े हुए हैं, तेरे उस प्रेम की गहराई में प्रभु ने हमको लेकर आया है, संसार की कोई भी बात तेरे प्रेम से हमें जुदा नहीं कर सकती। प्रभु ये प्रेम दिन पर दिन हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, कलीसिया के एक परिवारों में और भी उन्नत होने पाए, बढ़ोतरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सभा के लिए, धन्यवाद हमारे विश्वास भाई बहनों के लिए, धन्यवाद तेरे तमाम दास के लिए जिनको प्रभु ने आज अपने सेवकाय में इस्तेमाल किया। प्रभु प्रार्थना करते हैं आने वाले संपूर्ण सप्ताह पर प्रभु तेरी अगुवाई, तेरी उपस्थिति, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा प्रभु हमारे ऊपर बनी रहने पाए। विशेष करके प्रभु जी COVID-19 के प्रभु जी महामारी में हम सबों को बचा, संभाल, हमारी रक्षा का पालन कर, हमारे कई सहकर्मी परिवार, जवान और बुजुर्ग बच्चों को, तेरे दासों को प्रभु तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी सारी आशीषों के लिए कि तू अच्छा और भला परमेश्वर है। तेरी उपस्थिति में निरंतर आशीर्वाद देखिए हम सबों की अगुवाई कर, सहायता कर। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ जब तक हमारे प्रभु न आए हमेशा हमेशा होती रहे। संगति कर बोले हालेलुया। यीशु मसीह जी प्रभु सर्वाशीष।